हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे कि किस तरह वो हमारे हेल्प कर सकते हैं एमसीक्यूज सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स है, आप लोगों को पता, एक क्वेश्चन रिपीट होता है एमसीक्यूज, ईटा में रिपीट होता है, ठीक है ना। एमडीकेट जितने भी टेस्ट में एमसीक्यूज रिपीट होते हैं कि एक वायर होता है जिसका लेंथ एल होता है और रेजिस्टेंस आर होता है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हमने इसको स्ट्रेच किया एक ट्राइंगल की शक्ल में, ठीक है ना। हमने इसका एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना। ये एक जंक्शन ए है और ये जंक्शन बी है। तो ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो याद रखिए हमने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। देख सकते हैं आप थ्री पार्ट्स में। तो ये देखिए एल, तो इसका रेजिस्टेंस एक्स हुआ, रेजिस्टेंस ये भी एक्स हुआ। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये हमारे साथ एल के बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो ये थ्री एक्स बन जाएगा एज इक्वल टू एल। तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, विच मीन एक्स इज इक्वल टू आर बाई थ्री, ओके ना। कि हर एक रेजिस्टेंस आर बाई थ्री है यहाँ पर, आर बाई थ्री एंड आर बाई थ्री, ओके। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमने इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों को फाइंड, इस दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे दोनों सीरीज में, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट इस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, जो कि हमारे साथ है टू आर बाई थ्री, ओके। तो ये डायग्राम किस तरह हुआ, ये हमारे साथ ये बन गया, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ टू आर बाई थ्री है और ये आर बाई थ्री है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पैरेलल में इसको सॉल्व करते हैं, वन ओवर आर इक्विवेलेंट इज वन ओवर टू आर बाई थ्री प्लस वन ओवर आर बाई थ्री। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका क्या मिलेगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करते हैं आप लोगों से, कि ये लेंथ है, इसका लेंथ क्या है, एल है। इसको हमने क्या किया, फोर पार्ट्स में, मतलब इसका हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। इसका हमने स्क्वायर बना दिया, ये पॉइंट ए है, जंक्शन पॉइंट, जंक्शन ए जंक्शन बी, इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ एक्स है, ये भी एक्स रेजिस्टेंस है, ये भी एक्स रेजिस्टेंस है, ये भी एक्स रेजिस्टेंस है। तो अब ये फोर पार्ट्स है, मतलब क्या है कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एल। तो फोर एक्स इज इक्वल टू एल, सो एक्स इज इक्वल टू एल बाई फोर, विच मीन एक्स इज इक्वल टू आर बाई फोर। हर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ये भी आर बाई फोर है, ये भी आर बाई फोर रेजिस्टेंस होगा, ये भी आर बाई फोर और ये भी आर बाई फोर। हमने क्या करना है, इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करना है और फिर इसके साथ पैरेलल में सॉल्व करना है हम लोगों ने, ओके। तो बी तो इसने हेल्प किया होगा, ठीक है ना। जितने भी चाहे वो आपको इसका हेक्सागोन बना दे, इसको सिक्स पार्ट में कर दे, टेन पार्ट में कर दे, ठीक है ना। तो वही अगर ये फोर फोर है ना, तो ये आर बाई फोर के बराबर होगा। अब आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि यही क्वेश्चन है, फोर पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ओके, डोंट वरी। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये भी आर बाई फोर होगा, ये भी आर बाई फोर होगा, ये भी आर बाई फोर, ये भी आर बाई फोर। तो अब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज सीरीज में हल करो और फिर इस दोनों को पैरेलल में हल करो, ओके, तो आंसर मिल जाएगा, ओके। ये तो ईजी था। अब अगर आप क्या करें कि ये वही है, लेंथ एल है इसका और रेजिस्टेंस आर है, इसका एक सर्कल बना दिया उन्होंने, क्या किया, एक सर्कल बना दिया इन लोगों ने।
तो देखते हैं कि क्या होता है। और कहते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड कर देना है, ठीक है ना। ओके तो यही दोनों इस यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 90 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब ये 90 एंगल बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा हमारे साथ। हमें पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू एल, मतलब ये पूरा सर्कल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, वो 360 होता है। तो 360 हमारे साथ एल के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने 90 के लिए पॉइंट करने के लिए 90 क्या है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर 1 बचेगा और इसको 360 पर डिवाइड कर दें तो एल बाई 360। अब हमने 90 के लिए करना है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 इज इक्वल टू एल बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 90, ओके। तो 90 इज इक्वल टू 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा 9, तो एल बाई 4 विच मीन 90 इज इक्वल टू आर बाई 4, ओके। तो ये हमारे साथ ये 90 जो है ये हमारे साथ आर बाई 4 है, ओके ना। और ये एंगल कितना है हमारे साथ, ये एंगल हमारे साथ है टोटल 360 है ना। तो 360 माइनस 90 हमारे साथ क्या आता है, 360 माइनस 90 तो हमारे साथ होता है, तो हम करते 360 माइनस 90 तो 0, एंड 16 से 9 माइनस करने के बाद क्या बचता है हमारे पास, इट इज 7 एंड इट इज 2। तो ये 270 है हमारे पास, क्या है ये एंगल 90 है, तो 90 के आर बाई 4 आता है। और ये एंगल हमारे साथ कितना है, ये हमारे साथ है 270। तो 270 के लिए कितना आएगा, यही इक्वेशन हमने यूज़ करना है। अगर 1 इज इक्वल टू एल बाई 360 तो 270 के लिए कितना होगा, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। 270 के लिए हमारे पास होगा एल बाई 360 एन टू 270, ठीक है ना। तो 270 इज इक्वल टू 0 0, एंड इसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है ना, तो ये हमारे साथ आता है 4 9 9 4 9 3। तो ये हमारे साथ आता है 270 के लिए 3r/4, तो ये हमारे पास 3r/4 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे साथ 3r/4 है और ये हमारे साथ r/4 है, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को पैरेलल में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब अगर ये थोड़ा इजी कर दे आप लोगों के लिए, यही सर्कल है वही लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ एल रेजिस्टेंस आर एस को हमने एक सर्कल में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। तो अब हमने पॉइंट करना है यहाँ पर इन दो पॉइंट के, तो जब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो ये हमारे साथ क्या होता है फुल एल होता है, तो ये हमारे साथ आर बाई 2 होगा और ये भी आर बाई 2 होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है ना, ओके। तो फिर इन दोनों को क्या करना है, हमने सीरीज में सॉल्व कर पैरेलल में सॉल्व कर देना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और पॉइंट की तरफ अब आते हैं, ठीक है, वो है अगर ये हमारे साथ एक लेंथ एल हो, ठीक है, इसका लेंथ क्या हो एल हो, और इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो इसका लेंथ क्या हुआ 2l हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको हम ट्रिक से भी करते हैं और सोल्यूशन से भी करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने वीडियो देखना ही लास्ट तक, क्योंकि बहुत मज़े की चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसका लेंथ हमने 2l कर दिया, तो अब इसका फाइनल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या चेंज आई रेजिस्टेंस में। अगर आप तो कहेंगे कि नहीं हमारे साथ रेजिस्टेंस का फार्मूला है रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो एल डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, यहाँ पर सारे लेंथ को डबल तो कर दिया, लेकिन हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। जब हमने स्ट्रेच कर दिया तो इसका एरिया में चेंजेस आया, ठीक है ना। तो एरिया भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुआ, यहाँ पर मास चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या चीज़ चेंज नहीं हुई, मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हुआ, ठीक है यहाँ पर। तो हमें पता है कि रो किस चीज़ के बराबर है, एम बाई वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रो एम बाई वी के बराबर है, तो वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होगा, एम बाई रो।
तो मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बाकी ये दो चीज़ें तो चेंज हो रही है, लेकिन हमारे साथ वॉल्यूम जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम वी वन इज इक्वल टू वॉल्यूम वी टू, ठीक है ना। देखिए ये मैं सोल्यूशन से कर रहा हूँ, इसके बाद इसका ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है ना। तो वी वन हमारे साथ एरिया ए है इनिशियली, और लेंथ हमारे साथ एल है, ठीक है ना। फाइनली एरिया हमारे साथ ए डैश बन गया, ठीक है ना, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ है हमारे साथ 2L हो गया। वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इन टू लेंथ, तो एरिया इन टू लेंथ है, लेकिन इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल नेम ए एल है, ठीक है ना। और इनिशियल ए डैश हो गया एरिया और 2L हो गया, तो एल एल के साथ कैंसिल हो गया, ए डैश हमारे साथ आता है ए बाई टू। मतलब अगर हमने क्या किया, लेंथ को डबल किया, तो लेंथ डबल करने से एरिया हाफ हो गया। तो यही फार्मूला है, उसमें वीडियो लगा लो ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके। तो आर इज इक्वल टू रो एल की जगह हमने 2L पुट किया, और ए की जगह हमने एडेक हो गया पाया नहीं, तो ये हमारे ए बाई टू आ गया। तो आर इज इक्वल टू टू ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू रो एल बाई ए, तो 4 टाइम ऑफ इनिशियल चेंजेस कितना आया, जब आप लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, और जब एरिया हाफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 4 टाइम रेडियस में इंक्रीज आएगी, ठीक है ना। अच्छा तो अब ट्रिक की तरफ आता है, इसके लिए जो ट्रिक यूज़ करते हैं हम वो है आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर इन टू आर, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वेयर इन टू आर, एन इज नंबर ऑफ टाइम, कितना टाइम हमने इसको इंक्रीज किया। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एन टू आर है, तो 2 टाइम हमने लेंथ इंक्रीज किया, तो एन की जगह 2 लगाएंगे और फिर यहाँ पर आर। तो आप देख सकते हैं कि हम 4 वायर बन गया, ठीक है ना। ओके इसका लेंथ क्या है अब एल, इसको हमने इक्वल 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसके बारे में क्या कर दिया, कंप्रेस करने के बारे में, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कट कर दिया 3 पार्ट्स में, ओके ना। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में हमने कट कर दिया, और फिर इन तीनों को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें और फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो उसके लिए जो ट्रिक यूज़ होता है वो ये है कि एन सॉरी आर बाई एन, ये क्या है, ये पैरेलल के लिए है। अगर हम इसको सीरीज में लगाए, इन दोनों को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करें फिर इसको सीरीज में लगाए, तो उसके लिए जो ट्रिक यूज़ होते हैं वो एन आर है, ये सीरीज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो आर है वो आर नहीं है, यहाँ पर हम आर क्या होगा, इनिशियली इसका रेजिस्टेंस आर होगा, लेकिन जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 3 होगा, इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 3 होगा, इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 3 होगा, ओके। तो ये आर हमारे साथ वो आर बाई 3 होगा, तो हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एन की जगह 3 लगाएंगे आर बाई 3, और आर की जगह हम आर बाई 3 लगाएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर बाई 3 हो गया। इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 3, इस पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 3, तो आर बाई 3 इंटू आर बाई 3 ही 3 ऊपर चला जाएगा, तो आर बाई 9, ओके। अब अगर इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो सीरीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 पार्ट है, फिर हमने वापस लगा दिया सीरीज़ में, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो यही फार्मूला है, एन की जगह 3 पुट करना है, आर की जगह आर बाई 3 पुट करना है, ईच पार्ट क्या है आर बाई 3, 3 कट हो जाएंगे, तो वापस हमारे साथ आर आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे साथ सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन था, अगर हम इसको क्या करें, सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है ना। तो इसके बाद हम एक दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे साथ जो कि रिपीट होता है, वी स्टोन ब्रिज। बाकी हम तो हमको तो पता है कि अगर इस तरह का कनेक्शन हो, ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैं कनेक्शन बना रहा हूँ इक्वल रेजिस्टेंस का, ठीक है, प्लीज स्टे विद मी, ओके। तो ये है हमारे साथ कनेक्शन,
ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, इसका 10 है, और इसका भी 10 है, और इसका 20 है, इसका 10 है, ओके। तो स्टूडेंट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो याद रखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए विस्टोन ब्रिज का तो आपको पता होगा, ये विस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है ना, ओके। अगर इन दोनों का यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होता है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे सपोज ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे साथ पी है, सॉरी पी क्यू और एस, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर हो तो इस बीच वाले चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की बराबर हो तो ये बीच वाला चीज़ जो है ना इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। देखिए यहाँ पर ये पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी आर, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक वेस्टर्न ब्रिज है, लेकिन हमें एक ट्यूडर अंदाज में गिवन है, ठीक है ना, ट्यूडर अंदाज में गिवन है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के अगर बराबर हो जाए तो देखिए 10 10 100 पार्ट 20 जा 100, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम इसको ये वेस्टर्न ब्रिज है बेसिकली, लेकिन एक देखिए ये हमारे साथ 10 हो गया, ये हमारे साथ ये वही 10 है, ये वही 5 है, और बीच में ये 10 है, ठीक है, और ये वही 20 है, ठीक है, और ये यही 10 है, ठीक है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की बराबर है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट तो अब बिल्कुल ईजी हो गया, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करो, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करो, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो, ये तो ईजी था। लेकिन हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो है अगर 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 वेस्टर्न ब्रिज फेल हो जाए, ठीक है ना, वेस्टर्न ब्रिज फेल हो गया कुछ इस तरह से हमें गिवन है। देखिए अभी इस तरह हमें गिवन है, वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमें गिवन है, देखिए इसको गौर से देखिए, ये ट्रिक बहुत मज़े का ट्रिक है, ठीक है। अब इस तरह है कि ये हमारे साथ 20 हो, ये हमारे साथ 30 है, ठीक है ना, ये हमारे साथ 40 है, ये हमारे साथ 80 है, और ये हमारे साथ वो R5 रेजिस्टेंस है, मतलब इसको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये जो रूल है वो अब फॉलो नहीं हो रहा, तो हम वो ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते इस ब्रिज का। इस केस में हम एक ओ, मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, इट इज़ नॉट इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 80, ये बराबर नहीं है, तो ट्रिक तो फेल हो गया, हम तो विस्टर्न ब्रिज इसको हम नहीं हटा सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करेंगे, वो दूसरा ट्रिक है, वो इस तरह है कि पहले इसको गौर से पढ़िए, ठीक है, सोचिए समझिए, ठीक है ना, कि पहले सॉरी कि पहले हम इन दोनों को, लेट सपोज ये हमारे साथ R1 है, ये हमारे साथ R2 है, ये हमारे साथ R3 है, ये हमारे साथ R4 है, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, सम करेंगे, R1 और R2 को सम करेंगे, ठीक है ना। किस तरह सम करेंगे, इसी तरह सम करेंगे, R1 प्लस R2, मैंने सम कर दिया। दूसरे आप फिर क्या करेंगे, R1 R2 के ये जो R3 R4 है, इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, R3 R4 के साथ मैंने से क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस लगाना है, अब इन दोनों को प्लस करना है, R3 प्लस R4, ठीक है, और R1 R2 के मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, R1 R2, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस R5 लगाना है, ये वाला बीच वाले की बारी आती है, ठीक है ना, R5 लगाना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ से, इन दोनों के सम से, ठीक है ना। क्या हुआ, ये दोनों जमा हुए, दोनों जमा हुए और बीच में फाइव वाले R5 को पीट रहे हैं दोनों, ठीक है ना, बेचारा R1 प्लस R2 इनटू R3 प्लस R4,
divided by what? डिवाइड बाई आर फाइव, ठीक है ना, ये आर फाइव सब के साथ जमा हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, और फिर ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, आर वन प्लस आर टू और एन टू आर टू प्लस आर फोर, ठीक है ना। ये ट्रिक है, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। जब वेट स्टोरेज ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाए, मतलब वो ट्रिक फेल हो जाए, तो फिर वेट स्टोरेज ब्रिज में हम इक्विवेलेंट रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यही ट्रिक है, आप लोगों ने याद रखना है, आपने रट्टा लगाना है। इसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों को आर वन प्लस आर टू करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आर थ्री इंटू आर फोर के साथ, ठीक है ना। फिर आर थ्री आर फोर को जमा करना है और आर वन आर टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी बात है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाना है किसके साथ, ये दोनों मिल, ये सब मिल रहे हैं आर फाइव को पीट रहे हैं यहाँ पर, तो आर फाइव एन टू आर वन प्लस आर टू एन टू आर थ्री प्लस आर फोर, ठीक है ना। ये दोनों, ये क्या हुआ है, ये कुलीग्स है, ये भी कुलीग है, इन दोनों जमा हुए और इस आर फाइव को पीट रहे हैं, ठीक है ना। फिर आर फाइव लगा, ठीक है ना, हर एक को पीट रहा है, ठीक है ना, आर फाइव हर एक को अलग अलग पीट रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक अलग अलग आर फाइव को पीट रहा है, ठीक है ना। फिर प्लस लगाना है, ठीक है ना, आर फाइव ने सबसे कहा कि आप नीचे आ जाए, सबको नीचे बुला दिया, मतलब डिवीजन के नीचे आ गए, सबको नीचे बुला दिया और मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर प्लस आर वन प्लस आर टू एन टू आर टू प्लस आर फोर, ठीक है ना। तो ये एक और ट्रिक हो गया। फिर इसके बाद हम एक और ट्रिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए वो क्या ट्रिक है, वो इस तरह है, एक एम सी क्यू के थ्रू जाते हैं कि एफ 6.4 एम्पियर फ्लो एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर एंड 1 सेकंड, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, तो n हमने फाइंड करना है, तो q बाई ई, तो n इज इक्वल टू क्यू, q किसके बराबर है, आई टी के, और ई अपनी जगह, तो n इज इक्वल टू i की जगह i की वैल्यू लगाना है हमें, u ने 6.4 इंटू टी इज 1 सेकंड, और a की जगह 1.6 डिवाइड बाई 2 पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करें आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम एक और ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है ना, आसानी के लिए, कि I1 by I2 इज इक्वल टू R1 by R2 होल स्क्वायर, मतलब करंट और रेडियस का आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, और करंट और लेंथ का इन्वर्सली रिलेशन है, तो I1 by I2 is equal to L2 by L1, ठीक है ना। इसके साथ तो स्क्वेयर रिलेशन थी, मैंने स्क्वेयर यहाँ पर मैंने स्क्वेयर नहीं लगाया, ठीक है ना। ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे MCQs रिपीट होते हैं। कभी आपको ये तीनों दिए होते हैं, आपने ये पॉइंट करना होता है, कभी ये पॉइंट करना होता है, ये तीनों दिए होते हैं, ठीक है ना। एक में इसमें एक मिसिंग होता है, बाकी आप लोगों ने फाइंड करना होता है। इसी तरह इसी में भी एक मिसिंग होता है, बाकी आप लोगों ने एक तीन दिए होते हैं, बाकी आप लोगों ने फाइंड करता है। इसका प्रूफ कुछ इस तरह है कि हमें पता है कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ओके, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर की जगह रो बाई एल ए लगाए, तो A की जगह फिर I इज इक्वल टू वी बाई रो एल ए की जगह फाई आर स्क्वेयर लगा दो, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू ये आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो वी आर स्क्वेयर फाई डिवाइड बाई रो एल, तो I का L से इन्वर्सली रिलेशन है और आर स्क्वेयर से डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने ये फार्मूले यहाँ पर लगा दिए, ओके। अच्छा, इसके बाद एक और बात डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या है। अच्छा, रुक जाए, एक शॉर्ट ट्रिक है, फिर इस लेक्चर को ख़त्म कर देते, ठीक है ना। ओके, अगर आपसे आपको इस तरह की बनो कि सीरीज, ये याद रखना कि सीरीज बाय पैरेलल, इन दोनों का जो रेशो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो
एन स्क्वायर बाय वन के बराबर है, ठीक है ना। देखिए किस तरह एक एमसीक्यू जिसके थ्रू करता है कि थ्री इक्वल रेजिस्टेंस फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज एंड देन रेजिस्टेंस एंड पैरेलल, ठीक है ना। थ्री इक्वल रेजिस्टेंस है हमारे साथ, कितने रेजिस्टेंस है, थ्री इक्वल रेजिस्टेंस है। इसको पहले हमने सीरीज में लगा दिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर पैरेलल में लगा दिया, तो सीरीज बाय पैरेलल फार्मूला है, ठीक है ना। तो एन मतलब है कितने रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। थ्री है ना, तो थ्री स्क्वायर बाय वन, तो सीरीज टू पैरेलल रेशियो हमारे साथ 9:1 आ गया। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट फेल एंड देन सीरीज, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये 1/n² का फार्मूला होगा, तो 1:n² होगा, तो 1:9 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। अभी रात के तकरीबन 3 बजे जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ओके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, ठीक है ना, आपका इस टॉपिक में कोई MCQs हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर बाकी चैप्टर आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना, इसी तरह के लेक्चर, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि हम फिर शेयर करें, ठीक है ना। आपको जो भी MCQs चाहिए, जो भी चैप्टर चाहिए, हम इसी तरह ट्रिक्स देंगे आप लोगों को। आप लोगों जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना, ठीक है ना। जस्ट हमें बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।